हेलो एवरीवन, आज का मेरा जो वीडियो है वो कटिन हैमेट प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कटिन हैमेट प्रिंसिपल। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक रिएक्शन दिखाती हूँ आपको। नाउ इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। इस रिएक्शन में ए और बी जो हैं वो एक ही कंपाउंड के दो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं। जो कटिन हैमेट प्रिंसिपल है वो स्टार्ट ही ऐसे होगा कि ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के लिए ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ए और बी को बोला है कि ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं किसी कंपाउंड के। और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी ऐसे जिसमें एक कम स्टेबल है और एक ज़्यादा स्टेबल है। वन इज लेस स्टेबल एंड अदर वन इज मोर स्टेबल। और अब हम इन दोनों ही कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पर कोई रिएक्शन करवाएंगे, सेम रिएक्शन। सपोज मैंने एक एलिमिनेशन रिएक्शन करवाई बी के ऊपर और वही सेम एलिमिनेशन रिएक्शन करवाई ए के ऊपर, तो बी से बनने वाला प्रोडक्ट जो है उसको नाम दे दिया है पीबी और ए से बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसको नाम दे दिया है पीए, राइट? अब यहाँ एक शर्त और है कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल को समझने से पहले कि जो ए और बी का आपस में इंटर कन्वर्जन है, ए और बी एक दूसरे के कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं और हम जानते हैं कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए वो तेज़ी से एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो ए और बी का जो इंटर कन्वर्जन है वो फास्टर है किसकी तुलना में, इन दोनों रिएक्शन की तुलना में। तो एक रिएक्शन है बी से पीबी का बनना, एक रिएक्शन है ए से पीए का बनना। इन दोनों रिएक्शंस की तुलना में ये जो इंटर कन्वर्जन वाली रिएक्शन है ये फास्टर होनी चाहिए। तो जो कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल है वो हमको इस बात की जानकारी देगा कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ए पी ए और पी बी उनमें किसका अमाउंट ज़्यादा होगा और क्यों। तो अकॉर्डिंग टू कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल ये बात है कि ए और बी की स्टेबिलिटी चाहे किसी की भी कम या ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होगा कि ए और बी में से अगर बी ज़्यादा स्टेबल है तो पी बी को ही ज़्यादा बनना चाहिए और ए अगर लेस स्टेबल है तो पी ए को कम मात्रा में बनना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कर्टिन हैमेट ने कहा कि ये जो दो कन्फर्मर्स हैं इनकी स्टेबिलिटी पर इन दो प्रोडक्ट्स का अमाउंट बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। इन दोनों का अमाउंट केवल ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करेगा। कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी? कि बी से जब पी बी बनता है तो वाया ट्रांजिशन स्टेट बनता है, एक एक्टिवेशन कर्व को पार करके बी जो है पी बी बनाता है। सपोज ये बी की एनर्जी, ये पी बी की, और ये ऐसे पहले एनर्जी हाई होगी फिर लो होगी। तो जो एक्टिवेशन कर्व है उसकी एनर्जी कितनी है, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि पी ए ज़्यादा बनेगा या पी बी ज़्यादा बनेगा। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, यानी कि बी से पी बी बनने में अगर कम एनर्जी लगी है तो पी बी की अमाउंट ज़्यादा होगी, और ए से पी ए बनने में यदि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा खर्च हुई है तो पी ए का अमाउंट कम बनेगा। इसको उन्होंने एक अच्छे से डिफाइन कर दिया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल, प्रोडक्ट कंपोजिशन इन अ रिएक्शन विच यील्ड्स वन प्रोडक्ट फ्रॉम वन कन्फर्मेशनल आइसोमर एंड अनदर प्रोडक्ट स्टार्टिंग विद अनदर कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ द सेम सबस्ट्रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट्स। किसकी ग्राउंड स्टेट? यानी ग्राउंड स्टेट में ए और बी का अमाउंट या स्टेबिलिटी कितनी है उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि पी ए और पी बी कितना बनेगा, बट इट डिपेंड्स ओनली ऑन द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रांजिशन स्टेट्स। इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
तो जैसा कि मैंने अभी आपको ये रिएक्शन दिखाई थी, इस रिएक्शन में तीन पॉसिबिलिटीज हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला केस है कि जो एक्टिवेशन एनर्जीज हैं वो दोनों की बराबर हो, मान लो, तब क्या होगा? इसको हम इस कर्व से आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी। ये देखिए, इस कर्व में क्लियरली पता चल रहा है कि ई की एनर्जी ज़्यादा है इस कन्फर्मेशनल आइसोमर की और इसकी कम है। तो इन दोनों आइसोमर्स में से जिसकी कम एनर्जी है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई कि ए और बी में से बी ज़्यादा स्टेबल है। अब बी से बनने जा रहा है पी बी और ए से बनने जा रहा है पी ए। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो कर्व है वो ये है, और ये है ट्रांजिशन स्टेट जिसके थ्रू ये बनने जा रहा है, और ये है ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी यहाँ पर, और इसकी भी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक, तो अब इस केस में हम ध्यान से देखते हैं, इस केस में क्या है कि ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि ये बी से पी बी बनने की और ये ए से पी ए बनने की, दोनों एक्टिवेशन एनर्जीज, ये वाली ये एक्टिवेशन एनर्जी और ये एक्टिवेशन एनर्जी जब आप देखेंगे तो ये दोनों इक्वल है। तो यदि ए और ई ए यानी एक्टिवेशन एनर्जी ए वाली और एक्टिवेशन एनर्जी बी वाली यदि दोनों इक्वल हों तो उस केस में क्या होगा कि पी ए और पी बी का जो अमाउंट है वो अब एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड नहीं करेगा, अब डिपेंड करेगा कि इन दोनों कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशनल आइसोमर है। जब एक्टिवेशन एनर्जी बराबर है तो जो ज़्यादा स्टेबल आइसोमर है उससे ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, और जो कम स्टेबल है उससे कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, राइट? तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट पी बी होगा, पी ए नहीं होगा। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस में भी ए और बी में से स्टेबिलिटी बी की ही ज़्यादा है, पर यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जीज हैं उनमें अंतर है। ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और ये एक्टिवेशन एनर्जी कम है, यानी कि ए से पी ए बनने के लिए बहुत बड़ा एनर्जी बैरियर पार करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और बी से पी बी बनने के लिए एनर्जी बैरियर जो पार करना है वो छोटा है, राइट? तो ये बट ऑब्वियस है कि जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होगा वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो क्लियरली आप यहाँ पे जान सकते हैं कि यहाँ पर पी बी ज़्यादा बनेगा, पर इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि पी बी इसलिए ज़्यादा बन रहा है कि बी स्टेबल है। नहीं, बी और ए की स्टेबिलिटी का जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो तब एप्लीकेबल होता है जब ई ए और ई बी इक्वल थे पिछले केस में जैसे। लेकिन जैसे ही ई ए और ई बी अलग अलग हैं, एक कम है एक ज़्यादा है, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो प्रोडक्ट कम बनेगा। इसी बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सिंस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन ए टू पी ए इज मच मोर देन द रिएक्शन बी टू पी बी एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों होती है रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो मैंने यहाँ अलग से लिख दिया है कि जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ही स्लो केमिकल रिएक्शन होगी और उतनी ही कम रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो यहाँ इस केस में भी मेजर प्रोडक्ट जो है वो पी बी होगा, पी ए नहीं होगा। और थर्ड केस जो आपके सामने है वो ये है कि ये बी वाली एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज ई बी इज ग्रेटर देन ई ए, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम है। अब यहाँ पर आपको कर्टन हैमेट प्रिंसिपल की जो उपयोगिता है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को देखें तो ए से ज़्यादा स्टेबल बी है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा कौन सा बनना चाहिए था? पी बी। पर ए और बी की पॉपुलेशन पर डिपेंड नहीं करता है प्रोडक्ट का बनना,
बल्कि प्रोडक्ट का बनना किस पे डिपेंड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी के अमाउंट पर। तो यहाँ चूंकि ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इसलिए ये प्रोडक्ट कम बनेगा, और यहाँ पर कम एक्टिवेशन एनर्जी में ही काम बन गया तो ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ क्लियरली आपको कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल समझ में आया होगा कि जो प्रोडक्ट की अमाउंट है, प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि जो इनिशियल कन्फर्मर्स हैं उनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल या किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा और किसकी कम है, बल्कि इस पे डिपेंड करेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी किसकी कम है। जिसकी कम होगी वो मेजर बनेगा प्रोडक्ट, जिसकी ज़्यादा होगी वो माइनर। इसी बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया है और आप इसका भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, और फाइनल रिजल्ट ये है कि पी ए विल बी मेजर प्रोडक्ट नॉट पी बी। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए आपके सामने एक कंपाउंड लिखा है, ये साइक्लोहेक्सीन का एक डेरिवेटिव है। इस पे मैं एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने वाली हूँ। तो पहले इसी कंपाउंड के दो जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। इस पहले वाले में आप देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है वो एक्सियल पोजीशन पर है, मिथाइल भी एक्सियल पोजीशन पर है, राइट। और ये जो बड़ा सा ग्रुप लगा है ना आइसोप्रोपाइल, ये भी एक्सियल पोजीशन पर है। और दूसरे में हम देख रहे हैं कि ये सब के सब इक्विटोरियल पोजीशन पर है। तो इन दोनों कन्फर्मेशनल आइसोमर्स यानी ए और बी में से, चूंकि यहाँ सभी बड़े बड़े ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर हैं इसलिए ये लेस स्टेबल कन्फर्मेशनल आइसोमर है, और यहाँ इक्वेटोरियल में है पोजीशन में इसलिए ये मोर स्टेबल कन्फर्मेशनल आइसोमर है। अब इन दोनों के ऊपर यदि हम एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं यानी कि एच सी एल बीटा एलिमिनेशन करवा रहे हैं, एक कार्बन से एच निकल रहा है और एक से सी एल निकल रहा है। चूंकि यहाँ एच और सी एल दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, एक्सियल पर लगे हुए हैं इसलिए एंटी हैं, इसलिए ये फेवरेबल कंडीशन है। क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में जो बीटा एलिमिनेशन हो रहा होता है उसमें जो दो एलिमेंट रिमूव हो रहे होते हैं वो अगर एक दूसरे के एंटी हों तो बहुत अच्छे से उनका रिमूवल हो जाता है, कम एनर्जी में, कम एक्टिवेशन एनर्जी में ही उनका काम हो जाता है। ये रिएक्शन करवाते समय हमको बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इससे एसिड का एक मोल निकल जाएगा, एच यहाँ से सी एल यहाँ से। सेम रिएक्शन जब हम इस आइसोमर पर करवाएंगे तो हो तो जाएगी रिएक्शन, बट फेवरेबल कंडीशन नहीं है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो बट ऑब्वियस है, क्लियर है आपको कि कौन सा ज़्यादा बनेगा प्रोडक्ट। जो पी ए प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनेगा और पी बी कम बनेगा। हालांकि जब हम ऊपर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को देखते हैं तो ये लेस स्टेबल आइसोमर था, ये मोर स्टेबल था। तो होना क्या चाहिए था, ये लेस स्टेबल या माइनर प्रोडक्ट बनना चाहिए था और इधर मेजर बनना चाहिए था। बट कर्टन हैमेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी ही डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा कौन सा माइनर, और वो बहुत अच्छे से आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। सो आई होप आपको कर्टन हैमेट प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप और भी करेंगे या देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।